पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले का मेघवाल समाज शिक्षा को समर्पित होकर भावी पीढ़ी के भविष्य को लेकर जिला मुख्यालय पर करीबन 4 छात्रावास संचालित कर रहा है। इन छात्रावासों में समाज के हजारों बालक बालिका रहकर अध्ययन कर रहे हैं तथा हर साल सैकड़ों छात्र छात्राएं IIT में प्रवेश के साथ ही अधिकारी कर्मचारी बनते हैं। वर्तमान में बाड़मेर जिला उच्च शिक्षा का हब बन चुका है। समाज के बालक बालिका उच्च शिक्षा के लिए लालायित है, लेकिन किफायती और सुरक्षित रहवास की सुविधाओं के अभाव में उच्च शिक्षा में दिक्कत होती है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर मेघवाल समाज के बालक बालिकाएं उच्च शिक्षा अर्जित कर अपने परिवार गाँव कस्बे का नाम रोशन करने तथा परिवार को संबल और आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करेगा। बाड़मेर जिले में शिक्षाविद समाज सेवी भामाशाह अधिकारी कर्मचारियों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में छात्रावास निर्माण में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के मूल मंत्र शिक्षा को समर्पित होकर बहुजन महापुरुषों के सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। इस दौरान बीते 10 अक्टूबर को जागू हुक्मरान के प्रधान संपादक धर्मपाल चंदेल ने छात्रावासों का अवलोकन किया। समाज सेवी शिक्षाविद तगाराम खत्ती जिलाध्यक्ष राजस्थान मेघवाल परिषद बाड़मेर और समाज सेवी डॉक्टर राहुल बामणिया अध्यक्ष MS4 भी साथ रहे। आप MS4 के नए अध्यक्ष बने हैं तो आपके कदों पर ज़्यादा वजन आ जाता है, जिम्मेदारी ज़्यादा जीत रहे हैं, तो इनके बारे में आपकी क्या चर्चा रहेगी सर? MS4 मेघवाल समाज शैक्षणिक शोध संस्थान, ये जिले का मेघवाल समाज का एक सर्वोच्च संस्थान है जिसमें वर्तमान में 130 बच्चे वर्तमान में यहाँ रह रहे हैं और विभिन्न स्कूलों में अध्ययनरत है। इसमें अभी 55 रूम्स हैं। वार्डन के लिए पूरा उनका वार्डन के लिए पूरा आवास, वार्डन का ऑफिस, कार्यकारिणी का ऑफिस, मीटिंग हॉल और अभी वर्तमान के अंदर पूरी एकदम वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से एक अपडेटेड लाइब्रेरी का निर्माण हो रहा है जी, जिसमें अपन ऑनलाइन क्लासेस भी ली जा सकेगी। सुदूर दिल्ली, बॉम्बे या कहीं पर भी जो भी अच्छे लेक्चर्स वो कोई अपनी क्लास लेना चाहते हैं बच्चों के लिए तो वो वहाँ से भी इंटीग्रेटेड पैनल के द्वारा वो क्लासेस ली जा सकेगी। वर्तमान में इसके पूर्व दिशा के अंदर तो डबल मंजिला इमारत है जी, और बाकी जो पश्चिम दिशा के अंदर भी अभी डबल मंजिला इमारत का कार्य जल्दी ही शुरू होने वाला है जिसमें 18 नए कमरों का निर्माण होगा जी। और जो इसके मध्य के अंदर जो मुख्य बिल्डिंग है उसके अंदर अभी कुछ मरम्मत का कार्य चल रहा है और जल्दी ही उस पर भी नई एक बार भवन का जो ऊपर जो कमरे हैं उनका निर्माण शुरू किया जाएगा। बालिका छात्रावास की भी एक बिल्डिंग MS4 की यहाँ बाड़मेर मगरा में स्थित है जी, उसमें भी अभी 30-35 अभी बालिका छात्रावास की है लेकिन अभी कॉलेज के बच्चे जो है 30-35 उसमें रह रहे हैं, अराउंड 30 बच्चे उसमें रह रहे हैं और जल्दी ही हम हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 1-2 सालों के अंदर हम जिले का एक बहुत अच्छा मेघवाल समाज के लिए बालिका छात्रावास शुरू करें ताकि बालिका शिक्षा को बढ़ावा रखें जी। हमने इस बार जो कार्यकारिणी बनाई है उसमें भी नवाचार करते हुए हमने महिला कार्यकारिणी के अंदर जो कार्यकारिणी जो इसकी MS4 की है उसके अंदर महिलाओं को सदस्यों को शामिल किया है। इसमें जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर और अन्य पदों पर कार्यकारिणी सदस्यों के पद पर भी महिला सदस्यों को लिया है तो महिलाओं को मोटिवेट किया गया है। MS4 की महिला विंग भी बनाई गई है ताकि हम जल्दी से जल्दी बालिका शिक्षा के अंदर भी और जो समाज के अंदर जो बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा को आगे बढ़ावा दे सकें। तो इस प्रकार से हम समाज में शिक्षा के द्वारा समाज का जो सामाजिक है और हर तरीके से उद्धार हो वो उसकी हम पूरी कोशिश करते हैं। वैसे प्रकाश जी मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 3-4 साल से राजस्थान के विभिन्न भागों में गया हूं और अलग अलग जगहों पर मैंने विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में और छात्रावास के अभाव में विशेष रूप से मैं देखता हूँ जी। तो जब यहाँ बाड़मेर की आपको स्थिति बताऊं तो वर्तमान में हमारे बाड़मेर के अंदर मेघवाल समाज के 4 छात्रावास हैं जिसमें एक लड़कियों की भी है, कॉलेज छात्रावास अलग है, एक बलदेव नगर के अंदर छात्रावास है, कुल मतलब 300 के आसपास छात्र है यहाँ पर निवास करते हैं और उनका विशेष रूप से मॉनिटरिंग है, बढ़िया ढंग से की जाती है और सुबह शाम उनके मतलब अलग अलग लोग यहाँ आकर के मोटिवेशन करते हैं
और यहाँ पर उनका एडमिशन है वो बिल्कुल मेरिट बेसिस पर किया जाता है। जो समाज के गरीब और प्रतिभावान बच्चे हैं उनका यहाँ एडमिशन होता है, क्योंकि शहर के अंदर आज के समय में अगर रूम लिया जाए तो उसको 3,000 से कम मिलता नहीं है, लेकिन उनको यहाँ सब सुविधाएं मिलती है, खाना उनको कॉमन रूम से मिलता है। और अभी डॉक्टर साहब है ने यहाँ कार्य ग्रहण किया, 2 महीने हो गए डॉक्टर साहब, तो 2 महीने के बाद में इसके अंदर और भी इन्होंने नवाचार किया है बच्चों को, विशेष रूप से उनको खेल कूद के अंदर भी आप जो बात देखेंगे जी। तो सुबह शाम उनको खेल कूद का है, दूसरा है, मतलब सब तरह की बच्चों को ध्यान रखा जाता है, जिससे कि आगे आने वाले समय के अंदर ये राजस्थान के लिए एक ऐसा उदाहरण बनेगा कि बाड़मेर के अंदर जो पिछले कई सालों के अंदर बाड़मेर एजुकेशन के सबसे पिछले पायदान पर खड़ा होता था, आज के समय में है वो धीरे धीरे आगे अग्रसर हो रहा है। और यहाँ से बच्चे निकल करके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आगे जा रहे हैं, दिल्ली है, BSU है, जयपुर है, वहां जाकर के अपना अध्ययन करके आगे बढ़ रहे हैं जी। मेरे ऊपर राजस्थान मेघवाल परिषद का जब दायित्व आया उसके बाद में मैंने विशेष रूप से एजुकेशन के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया। हमारा जिला है वो एजुकेशन में और विशेष रूप से मेघवाल समाज पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब वो स्थिति रही नहीं है। एजुकेशन के अंदर ध्यान देने के लिए हमने जो गरीब प्रतिभावान बालक थे गांव के, उन बच्चों को जैसे वो नहीं पढ़ सकते उनको एक अध्ययन गोद योजना शुरू की है। उस योजना के तहत हमारे समाज के जो भामाशाह है उन भामाशाहों से पैसा लेकर के उन बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए दिल्ली है, BHU है, जयपुर है, वहाँ वो बच्चे पढ़ते हैं, उनका पूरा खर्चा है वो समाज के भामाशाहों के द्वारा दिया जाता है। तो ये और दूसरा जैसे कुरूतियों का आपने बताया, तो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी जो कुरूतियों के अंदर अगर देखी जाए तो वो मृत्यु भोज वाली है जी। हमारे यहाँ पर मृत्यु भोज के अंदर 10 से 5 से लगा करके 20 लाख तक का है वो खर्चा कर दिया जाता है, और वो खर्चा अमूमन लोग क्या है कि देखा देखी करते हैं, जिससे क्या है उनका खेत खलिहान प्लॉट जमीन प्लॉट वगैरह सब बिक जाते हैं, जिससे वो ताजिमर कई पीढ़ियों तक ऊपर नहीं उठ पाता है। तो हमने अभी अभियान के रूप में ये काम शुरू किया है और उसके अंदर हमने काफी हद तक वो हमारे को उसमें सफलता मिली है जी। और आज हमारी ऐसी स्थिति है कि जो अभियान वो मृत्यु बोध करते थे वो लोग मृत्यु बोध वाला पैसा है छात्रावास के अंदर और गरीब छात्रों को पढ़ाने के अंदर विशेष रूप से वो काम ले रहे हैं। तो आने वाले समय के अंदर बाड़मेर का भविष्य है वो एजुकेशन और दूसरे मायने में अच्छा रहेगा जी।